जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर के साथ होना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती शिखर धवन पाजी यानी गब्बर पाजी पर होने वाली है सलामी बल्लेबाज के रूप में, क्योंकि इस समय कोलकाता नाइट राइडर बाकी सभी टीमों को रौंदते हुए बड़ी तेजी से फाइनल की ओर बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन सामने है अब दिल्ली कैपिटल्स और हमारे गब्बर पाजी। आप सभी को बताया दोस्तों, तो इस सीजन सबसे कामयाब बल्लेबाज जो साबित रहे दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से वो रहे शिखर धवन। पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इनका बल्ला पूरी तरीके से शांत था, तो उसका रिजल्ट भी आप सभी ने देखा कि क्या रिजल्ट निकलकर सामने आया। जब जब दोस्तों शिखर धवन का बल्ला 30 प्लस रन से ज्यादा चल जाता है, तो समझ लीजिए कि दिल्ली कैपिटल्स की जीत भी पक्की होती नजर आती है, क्योंकि शिखर धवन की खासियत ही यही है कि 30-40 रन अगर खेल जाते हैं तो उसको बड़ी पारी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और इस सीजन अगर बात करें दोस्तों, तो शिखर धवन बहुत तेजी से आगे बढ़ते नजर आए थे ऑरेंज कैप में, लेकिन उसके बाद इनसे छीन ली केएल राहुल ने, ऋतुराज गायकवाड़ इनसे आगे हैं, फैफ डू प्लेसिस इनकी बराबरी पर ही है लगभग। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती शिखर धवन के सामने यही है कि दिल्ली कैपिटल्स को अगर फाइनल में जितवाना है या फाइनल तक लेकर जाना है, तो शिखर धवन का खेलना बहुत बड़ी एक यहां पर कामयाबी वाली बात रहेगी, वो भी सुनील नारायण और केकेआर जैसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने, क्योंकि केकेआर की खासियत ही यही है कि वो ओपनिंग पार्टनरशिप को इतनी जल्दी तोड़ देती है, फिर मिडिल ऑर्डर को यहाँ पर मजबूत होने नहीं देती, तो वो पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं होने देती किसी भी दो बल्लेबाजों के बीच। उनके पुराने मैच उठा के देख ले तो आप फेस टू के, तो वही खासियत दोस्तों इनकी देखने को मिलती है। लेकिन अगर शिखर धवन का बल्ला चला तो दोस्तों ये मैच जिताने से पहले बल्ला थमने वाला नहीं है, और हम चाहते हैं यहाँ पर दिल्ली इस बार ना सिर्फ फाइनल पहुँचे बल्कि जीते भी, क्योंकि दिल्ली डिजर्व करती है। दिल्ली जिस प्रकार से पूरे सीजन खेली, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग टीम दिल्ली कैपिटल्स इस पूरे सीजन नजर आती है। बैंगलोर भी नजर आती थी, लेकिन बैंगलोर अब बाहर हो गई एलिमिनेटर मुकाबले में केकेआर से हार के बाद। लेकिन अब ये मुकाबला है कठिन चुनौती, और इस चुनौती को पार अगर पा रहा है तो शिखर धवन का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। भले ही T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शिखर धवन का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी IPL में अपने आप को प्रूव करने के लिए शिखर धवन को इस महा मुकाबले में चलना बहुत जरूरी है। पिछले मुकाबले में दोस्तों 7-8 रन पर ही आउट हो गए थे, चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी इतनी ताबड़तोड़ थी। लेकिन अब क्या लगता है दोस्तों कि आपको शिखर धवन का बल्ला चलेगा, या ऐसा कौन सा की प्लेयर साबित होगा केकेआर के सामने जो उनको हराने में शिखर धवन का साथ देगा, या शिखर धवन के अलावा कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन मारेगा? शिखर और श्रेयस अय्यर पर बहुत नजरें रहेंगी इस मुकाबले में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।